नमस्कार साथियों, स्प्रेडिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ समय समय पर स्टॉक एनालिसिस, कोई भी स्टॉक का सही समय पर सही भाव का एनालिसिस क्या हो सकता है, इस पर समय समय पर चर्चा करता रहता हूँ। और दोस्तों, ये कोई भी स्टॉक से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी निकल कर आता है तो उस पर भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर उसे समय समय पर प्रस्तुत करता रहता हूँ, ठीक है। इसी वजह से कोई भी एनालिसिस आपसे मिस ना हो जाए और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, तो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लेट में आपको कोई भी जो वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो दोस्तों वो आपके कोई काम का नहीं रह जाता। क्योंकि दोस्तों फिर वो स्टॉक के ऊपर आप बाय सेल करना अगर चाहें भी तो वहाँ पे आपको मौका हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं उन 6 स्टॉक्स के बारे में जो 3 दिन पहले, दोस्तों मैं ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ कि जो अपने यहाँ पे दोस्तों एनालिसिस क्या था कि ये गिरावट के समय हो सकता है आने वाले समय में ये भाव पे आपको ये स्टॉक्स फिर देखने को ना मिले। और दोस्तों ये एनालिसिस यहाँ पे आज के दिन बिल्कुल सही साबित हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 10% तक की दोस्तों यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है और आने वाले समय में और भी इसी प्रकार की तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी दोस्तों ये अपना जो स्टॉक हाई बनाया था रिसेंटली, अगर आप 1 वीक प्रीवियस हाई देखो तो उस हाई को दोस्तों अभी भी ये टच नहीं कर पाया है। इसी वजह से अभी भी स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद दोस्तों ये स्टॉक और भी अपने हाई को भी ब्रेक करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना और इसी प्रकार के एनालिसिस आपसे मिस ना हो जाए दोस्तों, इसी वजह से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टॉक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन ये स्टॉक 10% ऊपर की ओर जाते हुए दिखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखो तो 1 मंथ प्रीवियस हाई देखो तो ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए 303 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना हाई को दोस्तों अभी भी टच नहीं किया है, ये अभी भी 280 पे है, ठीक है। तो ये अपना हाई को दोस्तों अगर ब्रेक करता है तो भी दोस्तों आपको अभी भी अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को और भी आने वाले समय में मिल सकते हैं। और इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्टॉक की बात करें मार्केट कैप, तो दोस्तों ये स्टॉक अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 3,500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो इसमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा, ठीक है। और पी यहाँ पे दोस्तों आपको चेक करने के लिए स्क्रीनर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए स्टॉक का जो प्राइस है 280 है और 309 के आसपास ये हाई बनाया था, ठीक है, जो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। और इस स्टॉक का नाम एक्सिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड है। ये स्टॉक दोस्तों चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम करती है, घर में जो चार्जर होता है, ठीक है, जो गाड़ी कार वगैरह चार्ज होता है या बाइक वगैरह, या फिर रेजिडेंशियल आपको मार्केट प्लेस या सर्विस सेंटर में जो चार्जिंग स्टेशन दिखता है, तो वो सब चार्जिंग स्टेशन का बनाने का काम ये कंपनी करती है। और आपको पता है दोस्तों फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों रोड पे 50% जो भी गाड़ियां, ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर, कार जो भी हैं, 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने वाले समय में आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये इसका फ़ायदा इस स्टॉक को सीधे सीधे तौर पर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों चार्जिंग स्टेशन बनाती है, ईवी में बैटरी लगेगा और बैटरी को चार्ज कौन करेगा, चार्जिंग स्टेशन ही तो करेगा ना। इसी वजह से ये स्टॉक दोस्तों आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आता है, ठीक है। तो चलिए इसमें FII DII के होल्डिंग भी देख लेते हैं कि कितना परसेंट है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 69% आपको देखने को मिल रहा है, FII 1.53। और दोस्तों जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं DII हैं, वो मैसिव दोस्तों 10% 10.5% के आसपास स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होल्डिंग है FII और DII का, ये दोस्तों एक ट्रस्ट बनाने का काम करती है, क्योंकि FII DII दोस्तों बहुत रिसर्च करके ही कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन दोस्तों ये आपको अपना एनालिसिस भी करना है, ठीक है, क्योंकि FII DII अगर निकल जाते हैं कभी
तो दोस्तों आप इनके ऊपर आश्रित तो नहीं रह सकते ना, इसीलिए अपना एनालिसिस भी जरूर करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं ये स्टॉक भी दोस्तों यहाँ पे 8% के आसपास भागते हुए नज़र आया। ये दोस्तों 8% से भी ऊपर गया था, लेकिन फिर ये डे क्लोज होते होते 8% के आसपास यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है। और ये दोस्तों ये स्टॉक भी अपना जो हाई है इसको दोस्तों देखिए, 1 month रिटर्न देखें तो देखिए 255 ये हाई बनाया था, तो ये भी अपना हाई को अभी ब्रेक नहीं किया है। और आपको पता है दोस्तों कि आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में दोस्तों इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, और दोस्तों ये एक PSU स्टॉक है, तो रिजल्ट्स अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेवर में जाती है तो ये स्टॉक आपको दोस्तों ऊपर की ओर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये एक मिड कैप कंपनी की ओर है, स्मॉल कैप से मिड कैप बनने की ओर है। PE वाइज देखें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव है, 20 के आसपास आपको मिल रहा है, 24 के PE पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस PE वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव है। और दोस्तों ये एक रेलवे शेयर है, ठीक है, रेलवे शेयर है, ये ब्रिजेस बनाने का काम करती है, प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती है, और भी बहुत सारे काम जो रेलवे में होते हैं, रेलवे लाइंस हो गया, ठीक है, ये सब सब बनाने का काम करती है। तो रेलवे का दोस्तों ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा स्टॉक, रेलवे का जान इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि मेजर इन्वेस्टर ये स्टॉक का नाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रेलवे शेयर है और सही वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसका फ्यूचर दोस्तों बहुत ही ब्राइट आने वाले समय में देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ पर भी बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है। और गवर्नमेंट PSU स्टॉक है तो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट ऑलवेज रहता है, ठीक है। कोई डेप्ट भी अगर रहता है तो गवर्नमेंट उसे हैंडल इजीली कर लेती है, ये PSU स्टॉक का स्पेशलिटी होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं जो कि मैंने चर्चा किया था। तो नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आज के दिन ये 5.5% ऊपर की ओर जाते हुए दिखा है, ठीक है। तो आने वाले समय में दोस्तों और भी यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ये भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है, रिसेंटली ये भी 102 के आसपास हाई बनाया था, ठीक है। और इसका बिजनेस मॉडल देखें दोस्तों तो ये भी एक PSU स्टॉक है, ठीक है। और इसका मार्केट कैप देखें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, PE वाइज देखें तो 26 यानी बुक वैल्यू के पास देखने माफ़ कीजिएगा अपना जो PE है, ठीक है, PE जो 20 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, 26 के आसपास, ठीक है। तो PE वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों। ये जो कंपनी है ना, ये हाइडल एनर्जी पे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, यानी पानी से बिजली बनाने का काम करती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, ये एक मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि हाइडल एनर्जी सेक्टर में ये सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। NHPC लिमिटेड नाम है इस स्टॉक का, और आने वाले समय में दोस्तों ये बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिल सकती है। इसका मेजर रीज़न है दोस्तों क्योंकि स्टॉक दोस्तों आप देखें तो 5 साल से बहुत अधिक नहीं चला, मैक्स रिटर्न्स देखें तो महज 180% रिटर्न दिया है, और स्टॉक देखिए कितना पुराना है, 2012 से भी पुराना है, और लंबा समय दोस्तों यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन में बिताया है, देख लीजिए। इसी वजह से यहाँ ब्रेकआउट देना स्टॉक शुरू किया है, और आने वाले समय में और भी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑल टाइम में कोई भी स्टॉक को उठा के देख लेना, आपको 1000% से ऊपर ही रिटर्न देखने को मिलेगा, और इतनी पुरानी कंपनी में तो आपको 5000, 7000, 8000, 10000% रिटर्न देखने को मिलेगा, और यहाँ पर महज 180% रिटर्न ही है। तो इसी वजह से आप इसका पोटेंशियल अंदाज लगा लो कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो कितना बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसे ये मत समझ लेना कि आज कल परसों एक महीने में ब्रेकआउट दे देगा, इसमें समय लगता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक फिट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप अगर बहुत मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो तो ये स्टॉक दोस्तों हो सकता है आपके लिए ना हो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों स्टॉक फिट बैठता है। और आने वाले समय में इलेक्शन आ रहा है दोस्तों, बजट भी आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको आने वाले एक महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा किया था। नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आज के दिन ये 3.12% राइज किया है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा राइज़ नहीं किया आज के दिन कंपैरेटिवली जो पहला दो स्टॉक मैंने चर्चा किया, लेकिन दोस्तों ये राइज़ नहीं किया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यह आने वाले समय में राइज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये भी आप देखो तो 1 month रिटर्न्स में इसका हाई देखो तो
तो ये देखो कहाँ है, 2168 यानी 2168 इसका हाई है, ठीक है। तो इस हाई को दोस्तों ये ब्रेक करेगा ना, तो देखो 2168 का जो हाई बनाया है इसको ब्रेक करेगा तो आप सोच लो कितना परसेंट रिटर्न्स दे सकता है। ये भी आने वाले समय में दोस्तों शॉर्ट टर्म में ही आपको 10% ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन एक ही दिन में पहुंच जाए ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। समय लगेगा, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म में ही आपको 1 वीक के अंदर 10% रिटर्न्स बनाते हुए देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक दोस्तों 21,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। ये स्मॉल कैप से मिड कैप बनने की ओर है, PE 51 है। और दोस्तों ये जो स्टॉक है ये डिपॉजिटरी है दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वो डिपॉजिट होता है ना डिपॉजिटरी में, और हमारे देश में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी जिसको मोनोपोली होल्ड करती है। और दोनों में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अकाउंट होल्डर्स हैं ये CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के पास ही हैं। जितने भी डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हैं जैसे कि जेरोधा, अपस्टॉक या फिर और कोई भी होगा, तो मेजोरिटी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है ना ये CDSL के पास ही अपना अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये स्टॉक्स में दोस्तों आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा और एक मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों स्टॉक फिट बैठता है, शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों स्टॉक अभी लगातार आप परफॉर्म आउट ब्रेकआउट देने का क्षमता रखता है, ठीक है। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना, अपना एनालिसिस करके ही कोई डिसीजन लेना। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ये 2.86% राइज किया है। ये भी स्टॉक दोस्तों देखो तो इसका हाई देखो आप यहाँ पे 1160, ठीक है, देख सकते हो 1160 अपना हाई बनाया है ये देखो, ठीक है। तो इस हाई को दोस्तों ये ब्रेक करता है तो ये भी स्टॉक दोस्तों आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में ही आपको 1 वीक के अंदर हो सकता है ये स्टॉक आपको 10% प्लस रिटर्न्स देने का कोशिश करे, ठीक है। लेकिन कोई प्रिडिक्शन या बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना, प्योरली पर्सनल ओपिनियन है और अपना रिसर्च करके ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये देखिए इसका मार्केट कैप महज 19,000 करोड़ की कंपनी है। पी वाइज भी देखें तो अट्रैक्टिव है, इसका पी आपको दोस्तों 26 या 24 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 20 के आसपास पी है दोस्तों, तो पी वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव है। और ये कंपनी ईवी का बैटरी बनाती है दोस्तों, इन्वर्टर बनाती है, और ईवी का बैटरी आने वाले समय में अभी भी बनाती है छोटे स्केल पर, और आने वाले समय पर लार्ज स्केल पर बड़े बड़ी गाड़ियों में, ट्रक्स, बसेस, कार्स में आपको बैटरी बनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है। ये स्टॉक दोस्तों अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। इसी वजह से इसका फ्यूचर दोस्तों बहुत ब्राइट है, क्योंकि पहले ही मैंने चर्चा किया कि ईवी दोस्तों 50% गाड़ियाँ लेने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 50% होने वाली है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों 40% जो कॉस्ट होता है वो बैटरी का ही होता है, ठीक है। तो बैटरी स्टॉक्स दोस्तों आने वाले समय में इतने भयंकर तरीके से दोस्तों आपको रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं जितना कि कोई भी नहीं दे सकता, ईवी बैटरी और ईवी चार्जिंग स्टेशन। इसीलिए ये दो स्टॉक्स दोस्तों मेरे फेवरेट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ये सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपको कोई भी निर्णय लेना है तो अपना एनालिसिस कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे राय लेकर ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। और जो स्टॉक्स चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी आप चेक करोगे तो आपको मेजोरिटी लगभग सारे ही स्टॉक्स में आपको दोस्तों FII और DII के होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक ही प्रपोर्शन में ना मिले, कम ज़्यादा कुछ मिलेंगे, तो आप इसे एक बार चेक कर लेना स्क्रीनर पे, मैंने ऑलरेडी आपको पहले सिखा रखा है कैसे चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। आज के दिन ये दोस्तों राइज नहीं किया है, ना ऊपर ही गया है ना नीचे ही गया है, ठीक है। 0.069% नीचे गया है। इसका रीज़न दोस्तों जान लो, क्योंकि ये दोस्तों अभी इसका आने वाले 15 तारीख को, ठीक है, यानी यहाँ पे 1-2 दिन में दोस्तों इसका रिजल्ट्स आने वाला है, ठीक है। जो Q4 रिजल्ट्स है ना, Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पे अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो दोस्तों रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपको तेज़ी अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद पूरी उम्मीद है दोस्तों कि रिजल्ट्स भी अच्छा ही आए, बट कोई प्रिडिक्शन मत समझ लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक है ये दोस्तों एक मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है, पावर्स ट्रेडिंग का काम करती है दोस्तों, ठीक है, PSU स्टॉक है। और मार्केट कैप देखें तो महज 12,500 करोड़ की मार्केट कैप है, 37 PE है, ठीक है।
और पी वाइज भी दोस्तों आप जो राइजिंग सेक्टर है तो 37 PE मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा महंगा पी नहीं है, 20 के आसपास ही आप इसे मान सकते हो। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक का नाम है, आप इससे फेमस स्टॉक है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हाल ही में ये दोस्तों स्टॉक नीचे आया था क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर को लाने की बात चल रही थी मार्केट कपलिंग के द्वारा, तो अभी तक ये आया नहीं, और इसी वजह से ये स्टॉक वापस से दोस्तों तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला था। 5 डे रिटर्न देखो, 1 मंथ रिटर्न देखो, तो अभी ये नीचे गया था मार्केट में, ठीक है, और 6 मंथ में देखो तो अभी भी पॉजिटिव है, और इसका 1 ईयर रिटर्न देखो तो -6.93%। यहाँ पे इसी वजह से देखो ये स्टॉक अभी 1 ईयर में माइनस में चल रहा है, और इसी वजह से यहाँ कंसोलिडेशन है, तो बड़ा ब्रेकआउट का संभावना पूरी तरीके से मिल रहा है। 5 डे में, 1 मंथ में इसका हाई देखो तो देखो 159 का हाई बनाया है, ठीक है, तो 159 का हाई बनाया और अभी 145 है, तो इसको ये मीट करता है तो आप सोच लो कि दोस्तों यहाँ पे क्लियर तौर पे 7 से लेके 10% ये स्टॉक ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म में ही जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है, और आने वाले समय में भी ये पावर ट्रेडिंग का काम करती है, एक्सचेंज करती है। ROC इसका 50 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब 100 रुपये अगर ये लोन लेती है तो 50 रुपये उसमें ये कमा कर रख लेती है, ठीक है, तो इसी वजह से इसका इनकम बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये आने वाले समय में बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स, मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको बनाते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक दोस्तों बहुत समय से चला भी नहीं है, इस वजह से भी इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है, और ये भी एक अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक बन के उभर सकता है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी इस प्रकार के दोस्तों मैं लाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो आप उस पर एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।